अजय शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ड्यूटी पूरी करते हुए स्वस्थ हैं? अजय, मैं आप सबका आपके माध्यम से हमारे सारे पुलिस के भाई बहनों का अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रदेश की जनता ऋणी है आपकी, जो इन कठिन परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी से लड़के जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। आप सहित सारे पुलिस कर्मियों का अभिनंदन है। यह संदेश देने के लिए मैंने फोन किया है आपको। और मैं ये भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि 7.5 करोड़ लोग आपके साथ हैं प्रदेश के पूरे, और आप रियल हीरो हैं, सब पुलिस के मित्र हमारे। बस इतने ही मेरा कहना है कि सावधानियां पूरी रखें। जो किट हमको दिया गया उस किट में जो जरूरी चीजें, मास्क, सैनिटाइजर, उसका इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां हैं, आवश्यक जरूरी दवाइयों का किट भी है, उसका इस्तेमाल करें। और पूछताछ के लिए जाएं तो एक निश्चित दूरी बनाकर ही पूछताछ करें। कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है जे, वो अपने सब साथियों को बताएं, क्योंकि भोपाल में हमारे कई साथी दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद संक्रमित हो गए। हम आगे ये दिक्कत ना हो हमारे साथियों की, इसकी कोशिश करें। ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद सबको, और मेरा सबको नमस्कार बोलिए और कहिए कि मेरा फोन आया था, मैं सबके साथ। नमस्ते। अंजू बहन कैसी हैं आप? शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। अंजू, बस मैंने इसलिए फोन किया कि आप सब जनता को बचाने के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जनता के लिए रियल हीरो हैं, जो उनके लिए सब कुछ झोंके काम कर रहे हैं। आप जैसी बहनों का और सभी पुलिस के कर्मियों का, साथियों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैंने फोन किया है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि पूरा प्रदेश आपके साथ है। नहीं देखिए, वर्दी, ये वर्दी का आप मान रख रहे हैं और प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना, सावधानी पूरी रखें इस समय, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। निश्चित दूरी पर बात करना, कुछ आवश्यक सावधानियां रखना। गर्मी का दिन है तो नाक और मुंह तो मास्क से ढकने ही है, लेकिन कान और सिर भी ढके रहें, और सैनिटाइजर का, मास्क का सबका ढंग से उपयोग करते रहना, ये जरूर अपने सब साथियों को बताते रहें। ठीक है, ये बैन करते रहें, और सबको बताना कि भैया का फोन आया था, मैं सबके साथ हूँ, पूरे प्रदेश की जनता आपके साथ है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्ते। तोमर जी नमस्कार, शिवराज बोल रहा था। कैसे हैं आप? बस मैंने इसलिए फोन किया कि पूरा प्रदेश ऋणी है। तोमर जी, आपका, सभी साथियों का, जो कोरोना जैसी महामारी से अपनी जान जोखिम में डाल के युद्ध लड़ रहे हैं, असली योद्धा हैं आप हमारे लिए, जनता के लिए, और इसलिए सभी पुलिस के साथियों का अभिनंदन करने के लिए मैंने आपको फोन लगाया। नहीं आप, हाँ जरूर, नहीं, बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों के परिश्रम के कारण वो फैला नहीं, तो घनी बस्तियों में तो ये
बिल्कुल बहुत तेजी से फैलता। अब कंट्रोल है और अब इंदौर में पॉजिटिव केस भी अब पहले के मुकाबले कम निकलने लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा के कारण हम इसको समाप्त कर लेंगे। इंदौर हाँ, बस वो जरा सावधानी रखें, वो लेते रहें, गर्म पानी पीते रहें, काढ़ा लेते रहें। अब गर्मी आ रही तो गर्मी से बचने के लिए भी पानी पीना या गर्मी से बचने के लिए जो और चीज़ें हो सकती है उनका उपयोग करना जरूरी है। और मास्क के साथ साथ कान भी अगर ढके रहें गर्मी में तो उसका भी प्रयत्न कीजिए और डिस्टेंसिंग बना के रखिए। नहीं, हमारी परिवार है और आप सब अपन सब एक ही परिवार के सदस्य जुटे रहिए और सबको मेरा नमस्कार करिए। धन्यवाद, नमस्कार। नेहा बेटी कैसी हैं आप? शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, ठीक ठीक है आप? जी सर, मैं ठीक हूँ सर। मैंने इसलिए फोन किया कि आप लोग दिन और रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को भी जोखिम में डाल के जनता को बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको और सभी साथियों को मैंने धन्यवाद देने के लिए फोन किया है। और इतना मेरा जरूर कहना है नेहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें, पूछताछ करते समय भी थोड़ी सावधानी रखें और जो जो किट आपको दिया है उसमें मास्क, सैनिटाइजर, कुछ दवाइयां हैं उनका भी उपयोग करते रहें। और अब गर्मी आ रही तो गर्मी से भी बचाए रखना जरूरी है। मैं जानता हूं कि पुलिस की ड्यूटी बहुत कठिन है, कई बार चाहे कभी हम अपने ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि बच सके, लेकिन फिर भी यथासंभव सब साथियों को कहिएगा कि स्वयं की भी चिंता वो करें। बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अपन सुरक्षित रहेंगे तो बाकी को बचा पाएंगे। भोपाल में हमारे कुछ साथी भी पुलिस के संक्रमित हो गए, वो चिंता का विषय, इसलिए मैंने इस बात को कहा। और अपने सब साथियों को कहिएगा कि मेरा फोन आया था और प्रदेश की पूरी जनता और मैं आपके साथ खड़ा। नहीं बेटी, मैं सदैव साथ हूँ और मिलकर अपन इस लड़ाई को जीतेंगे, अपनी जनता को बचाएंगे, प्रदेश को बचाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। धन्यवाद नेहा। नमस्ते। मनीष कैसे हैं आप? मनीष, मैंने इसलिए फोन किया कि हमारे सारे पुलिस के साथी आप लोग सब मिलकर उज्जैन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और उज्जैन में भी लड़ाई कठिन है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के भी आप लोग दिनों रात काम में लगे हुए हैं। आपको, पूरी टीम को और सभी पुलिस के भाई और बहनों को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। प्रदेश की जनता ऋणी है, ये कठिन जंग है जो आप लोग लड़ रहे हैं और जिस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं वो आपका जज्बा प्रणाम करने के लायक है। मैं बिल्कुल अपनी अपने काम को, ड्यूटी पूरी करके वर्दी का भी सम्मान रख रहे हैं, प्रदेश का भी सम्मान रख रहे हैं। बस मेरा ये जरूर कहना है कि थोड़ा सावधानी रखें, खुद भी सुरक्षित रहें, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का, सैनिटाइजर का उपयोग, किट में आपको दवाइयां दी है उसका उपयोग, गर्मी से बचने के उपाय, ये सब करते रहें। और कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार करिए, हम सब आपके साथ हैं, पुलिस के मित्रों के साथ हैं। नमस्कार खान साहब। नमस्कार, शिवराज बोल रहा हूँ। कैसे हो आप? ठीक हो? नहीं, अपन सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और जिस मेहनत से आप लगे हो, काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के दूसरों को बचाने का काम कर रहे हो,
आप, आपकी पूरी टीम और पूरे प्रदेश के पुलिस के मित्र, इसके लिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश की जनता आपकी ऋणी है। नहीं, अपना फर्ज पूरा करके आप वर्दी का मान बढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस का नाम बढ़ा रहे हैं और मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। बस मेरा यही आग्रह है कि सब अपना भी ध्यान रखें, पूछताछ करते समय निश्चित दूरी से पूछताछ करना, फिर सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करते रहना, पानी पीते रहना, काढ़ा और घोल दिए गए उसका उपयोग करते रहना, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो प्रदेश सुरक्षित रहेगा। आने मैं जानता हूँ कि पूरा पुलिस परिवार एकजुट होकर काम कर रहा है, तो अपना भी ध्यान रखें और ये लड़ाई चलेगी, हो सकता है थोड़ी लंबी खिंच जाए, तो अभी हमको लड़ते रहना है, ना डरना है, ना झुकना है, जीतना है बस। सबको मेरी तरफ से, हाँ सबको मेरी तरफ से धन्यवाद दीजिए, नमस्कार कहिए और मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, आप ये मानिए। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बेटी, आप ठीक हो? हाँ निष्ठा बेटी, मैंने इसलिए फोन किया कि सारी हमारी पुलिस की बेटियां भी पूरी निष्ठा से, मेहनत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और जबलपुर में तो एक सीमा तक हम लोग सफल हो गए हैं, लेकिन अभी ढीला नहीं छोड़ा है जबलपुर को, क्योंकि ये कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है, लॉकडाउन अभी बनाए रखना है, नहीं तो लोग रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल जीतेंगे बेटी, और रियल हीरो हो आप लोग जनता की नजरों में, जो दूसरों के लिए अपने आप को झोंक के काम कर रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं है निष्ठा? बिल्कुल, जनता और सरकार और आप लोग सब मिलके एक है। बस इतने ही सब बेटियों को भी बताना और अपने साथियों को भी कि थोड़ा अपना भी ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखे, पूछताछ करने में थोड़ी सावधानी रखे, मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों का उपयोग करे। किट, हाँ हाँ अच्छा, वो किट भी दिए होंगे ना कुछ दवाइयों के? हाँ, किट में दवाई भी दी होगी? अच्छा, तो उनका उपयोग करते रहें, और काढ़ा वाढ़ा जो दिया वो भी पीते रहें, तो उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और वो होम्योपैथिक दवाई भी है, आयुर्वेदिक दवाई भी है, वो भी बहुत उपयोगी है। जी सर, वो हम ऊपर दिला दी है हमें, तो उसको लेते रहें सब। जी सर, ठीक है बेटी, मेरी तरफ से सबको नमस्कार कहिए, और मैं आपके साथ, हाँ आपके साथ ही हूँ, मैं प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आपके साथ। जी सर, नमस्ते बेटी।